गुना में अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि गुना में शिकारियों का मुकाबला करते हुए हमारे पुलिस के जवानों ने शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच चल रही है, पुलिस फोर्स को भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे पुलिस के साथी श्रीराज कुमार जाटव, नीरज भार्गव, सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। पुलिस ने साथी राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव, संतराम को शहीद का दर्जा देकर इनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपये सम्मान निधि दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है, एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे, ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्होंने शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है।